हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैमिली फूड शो। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पाया। आप इसे घर में बनाएं और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए हमें चाहिए 8 मटन पाया, जिसको मैंने अच्छी तरीके से साफ कर लिया है और इसको इस तरह से चाकू से हल्का सा काट लिया है, इस तरह से और इस तरह से चाकू से काट लिया है। उसके बाद हमें चाहिए 750 ग्राम प्याज। उसके बाद हमें चाहिए सूखे मसाले, धनिया 1 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, काली मिर्च 1/4 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, नमक 2 चम्मच। उसके बाद हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच। उसके बाद हमें चाहिए खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं दालचीनी, तेजपात 5 पीस, छोटी इलायची 4 पीस, लौंग 4 पीस। उसके बाद हमें चाहिए सरसों तेल 1/2 बॉल। उसके बाद हम गार्निशिंग के लिए लेंगे नींबू 1 पीस, धनिया, हरी मिर्च 3 पीस, चॉप कर दिया है मैंने इसे, काट के छोटे छोटे पीस। इसके लिए लेंगे हम कुकर। कुकर में हम सबसे पहले डालेंगे प्याज। ये मैंने कुकर में प्याज डाल ली है। अब मैं इसमें डालूंगी मटन पाया। इस तरह से मैंने अपने सारे मटन पाए डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे सारे पीसे मसाले। ये मैंने सारे अपने पीसे मसाले डाल दिए, सूखे मसाले। उसके बाद मैं डालूंगी खड़े गरम मसाले। इसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर हम इसमें ऐड करेंगे तेल। इन सबको डाल के अब हम मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सबको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बॉल पानी। अब ये सारे मसाले, सारे मटन पाए सब इसमें चले गए हैं। अब हम इसे ओपन करके देख लेंगे। ये मैंने इसके भाप निकाल लिए हैं, अब इसे हम ओपन करके देख लेंगे। ये मेरे मटन के पाए मैंने, अब इसे हम थोड़ा भून लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मेरे मटन में बहुत पानी है। इस सारे पानी को हमको इसको भूनते भूनते इसके सारे पानी को सुखा लेना है। जब तक मेरे पानी नहीं सूख जाते हम इसे भूनते रहे। मटन पाए पूरे भुना गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी 1-2 बॉल। इस बॉल से 2 बॉल पानी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर करके 2 सीटी तक रहने देंगे। 2 सीटी होने के बाद फिर हमें इसको एक बार ओपन करके चेक करें कि मेरा मटन पाया हुआ कि नहीं।
हमारा मटन पाया बिल्कुल तैयार है। रेडी है हमारा मटन पाया, अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तैयार है हमारा मटन पाया, अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। हमारा रेडी है मटन पाया जिसको मैंने गार्निश किया है हरी धनिया पत्ती से, और इसके साथ हम खा सकते हैं हरी मिर्च और नींबू, ये डाल के हम इसे खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अपने घर में इसे बनाएं, ट्राई करें, और अगर आपको पसंद आए तो मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।